सौरव गांगुली को बीसीसीआई के पद से क्यों निकाला गया, क्या हुई थी पॉलिटिक्स, चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या हुआ था पूरी विस्तार से। सितंबर 2022 में ऐसा लग रहा था कि बीसीसीआई के चेयरमैन सौरव गांगुली को कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सफलता की एकमात्र बाधा थी उसे भी दूर कर दिया था। बीसीसीआई ऑफिशियल्स को 3 साल के लगातार 2 टर्म्स मिल सकते हैं। अपने 3 साल के कार्यकाल में सौरव गांगुली ने 30 से अधिक ब्रांड के साथ एंडोर्स किया था। उनकी पर्सनल नेटवर्थ 220 करोड़ से बढ़कर 365 करोड़ इतनी हो चुकी थी। अपने रीइलेक्शन के कगार पर दादा को काले बादल नजर नहीं आए, वो जल्द ही उन पर डकवर्थ लुईस बनके गिरने वाले थे। कुछ ही वीक्स के बाद 6 अक्टूबर 2022 को आधी रात के आसपास भारतीय क्रिकेट के दिग्गज गृह मंत्री अमित शाह के घर एकत्र हुए, यह तय करने के लिए कि अगले कार्यकाल के लिए बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन रहेगा। गांगुली के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि बीसीसीआई के पूर्व बॉस एन श्रीनिवासन बैठक की शुरुआत से ही आक्रामक हो गए। उन्होंने कहा, हिस्ट्री में कभी भी बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने अपना खुद का फायदा कभी भी नहीं देखा, जो भी फायदा देखा इंडियन क्रिकेट बोर्ड का देखा। किसी भी तरह से मेरा ग्रुप इस पद के लिए गांगुली का समर्थन नहीं करेगा। दादा को लग रहा था कि उनको अमित शाह का इनडायरेक्ट सपोर्ट है। गांगुली ने उनसे अपील की, अमित जी ये कैसे बात कर सकते हैं ऐसे। लेकिन तीसरे अंपायर बनने वाले अमित शाह की चुप्पी शब्दों से ज्यादा कुछ और ही बोल रही थी, जिससे गांगुली हक्के बक्के रह गए। बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट ऐप जैसे My11 सर्कल का एंडोर्समेंट जारी रखा। भले ही ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर था IPL का और वो डायरेक्ट प्रतिस्पर्धी था ड्रीम 11 का, हालांकि ये डायरेक्ट कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि अगर उन्होंने माई 11 सर्कल को बीसीसीआई के साथ जोड़ा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोर्ड को बदनाम करने के लिए गांगुली को दोषी ठहराया, जब उन्हें गैम्बलिंग ऐप को बढ़ावा देने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने उनको नोटिस भेजा था। गांगुली पर आरोप लगाने वाले श्रीनिवासन खुद ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के घेरे में थे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बीसीसीआई का चुनाव लड़ने से रोक दिया था क्योंकि उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को ओन करती थी, जबकि वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने खुद को संयमित करते हुए अपनी सदस्यता स्थापित करने का प्रयास किया। 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर बीजे पटेल का भी उन पर दबाव था, लेकिन आखिरी घंटे में गांगुली ने अचानक कहीं से पैराशूट से छलांग लगाई और ब्रिजेश को हरा कर फिनिश लाइन पर पहुंच गए। अनुराग ठाकुर और हिम्मत बिस्वा शर्मा द्वारा अमित शाह को रात को कॉल किया गया। डिसीजन को गांगुली के फेवर में झुकाने में उससे उनको मदद मिली। एक समय अध्यक्ष रहने के बाद गांगुली ने श्रीनिवासन के आदमी शिवराम कृष्णन को चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर बनने से रोक दिया था और उनके फेवरेट सुनील दोषी को उस कुर्सी पर बैठा दिया। श्रीनिवासन इस एम्बेरसमेंट को कभी नहीं भूले और गांगुली की अपनी असफलताओं ने उन्हें रेवेंज लेने का मौका दे दिया। गांगुली को टीम इंडिया सिलेक्शन मीटिंग में क्यों शामिल हो गए, जबकि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, और भले ही उन्होंने डायरेक्ट इंटरफेस नहीं किया हो, लेकिन उनकी मौजूदगी सिलेक्टर्स को डराने वाली थी। एक बार सलाह मांगने पर गांगुली कहते थे, आप देखिए मैंने भारत के लिए 424 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं। कप्तानी को लेकर कोहली के साथ हुए विवाद के बाद खिलाड़ियों के साथ भी उनके रिश्ते खराब हो गए थे। टेस्ट टीम से बाहर किए जाने वाले वृद्धिमान शाह की नाराजगी भी उन पर प्रभाव कर रही थी, और उसके बाद गांगुली ने शाह को धमकी देने वाले आरोप में बोरिया मुजमदार को जो बैन लगा था वो बैन भी उन्होंने कम कर दिया क्योंकि वो अनुभवी पत्रकार के करीबी थे। बीसीसीआई में उन्होंने प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही काम किया था। ऑफिशियल्स का कहना था कि अगर गांगुली ने भाजपा में शामिल होकर या फिर कम से कम 2021 में महत्वपूर्ण बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया होता, प्रचार करके अमित शाह का पक्ष वापस लिया होता, तो सारे अपराध उनके माफ किए गए होते। इनमें से कुछ भी उन्होंने नहीं किया। जब अमित शाह बंगाल में बीजेपी के अभियान के लिए आए थे तो दादा उस टाइम पर हॉस्पिटल में एडमिट थे। गांगुली की जगह बीजेपी ने फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती को स्टार कंपेनर के रूप में पेश किया। उसके बाद जब शाह ने गांगुली और उसके परिवार के साथ डिनर किया था तब अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था, लेकिन अगले ही दिन गांगुली एक प्राइवेट फेस्टिवल के उद्घाटन के कार्यक्रम में ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए दिख गए। गांगुली इस महोत्सव में आमंत्रित होने वाले पहले व्यक्ति थे। यह फिल्म फेस्टिवल बेंगलुरु में आयोजित किया गया था।
तो गांगुली ने कहा, सीएम मेरे बहुत करीबी है, मैंने इस इंस्टीट्यूट के स्थापना में मदद के लिए जो उनसे संपर्क किया था तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया। बंगाल का राजकुमार कभी भी बंगाल के रानी के विरुद्ध नहीं जा सकता था, भले ही उसका दिल लोटस के लिए क्यों ना धड़कता हो। 10 अक्टूबर को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में एक मीटिंग हुई, लेकिन उन्हें चेयरमैन से लोअर पोस्ट ऑफर की गई थी, यह जानते हुए भी कि वो इस पोस्ट को मना करेंगे, ये उनके लिए अपमानजनक था। उन्हें आईसीसी के चेयरमैन पद से कम कुछ भी नहीं चाहिए था, यहाँ तक कि उनको अपने सक्सेसर का नाम घोषित करने तक का उनको मौका नहीं मिला। इसके बाद श्रीनिवासन ने कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में रॉजर बिन्नी का नाम सामने लाया था, जो एक रिटायर्ड क्रिकेट प्लेयर थे। बीसीसीआई जूनियर सिलेक्शन कमिटी में एंटर करने के लिए वो भी एलिजिबल है जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जिन्होंने एक मैच खेला था वो भी रणजी ट्रॉफी का। उसके बाद अमित शाह के बेटे जय शाह को प्रेसिडेंट पद पर प्रमोट किया गया। शाह पिता पुत्र की जोड़ी अब पूरी तरह से बीसीसीआई को कंट्रोल करती है। मोटेरा का नया स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम वास्तव में भारतीय क्रिकेट का हेडक्वार्टर बन गया है, जो सभी प्रमुख मैचों को होस्ट करता है। MPs और MLA फिर से BCCI के कॉरिडोर में एंट्री कर सकते हैं। BCCI का फुल फॉर्म हो सकता है BJP's कंट्रोल ओवर क्रिकेट इन इंडिया, एक्सेप्ट कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला जो हर एक पार्टी के मित्र है। इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एक सोने की मुर्गी है, जिसे कई लोगों ने उस पर प्रशासन किया। 1990 के दशक और 2000 के दशक के शुरुआत में जगमोहन डालमिया, 2000 के शतक में शरद पवार और श्रीनिवासन 2011 से 2013 तक, और पिछले कुछ सालों में अमित शाह। यहाँ किस्मत रातोंरात बदल सकती है। जैसे शरद पवार जैसे शक्तिशाली कृषि मंत्री धोखे से 2004 में कम चर्चित रणबीर सिंह महेंद्र से चुनाव हार गए। चुनाव से एक रात पहले आउटगोइंग प्रेसिडेंट डालमिया ने पवार से वादा किया था कि शरद तुम्हें मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, लेकिन चुनाव के दिन टाई ब्रेक हुआ और डालमिया ने अपना वोट किसके पक्ष में दिया? महिंद्रा। इस प्रसंग को याद करते हुए शरद पवार ने कहा था, विधानसभा या लोकसभा चुनाव जितना आसान है क्योंकि मतदारों पर भरोसा करना आसान है, लेकिन क्रिकेट ऑफिशियल्स पर नहीं। एक समय पर डालमिया के खास रहे गांगुली भी आखिरी समय पर इसी तरह अध्यक्ष बने थे, लेकिन दूसरी बार ठीक उसी अंदाज में वो हार गए। एटलीस्ट BCCI के 90 ईयर्स के इतिहास में गांगुली ने कम से कम एक क्रिकेटर के BCCI का प्रमुख बनने का मिसाल तो शुरू किया। तो क्या लगता है आपको BCCI के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताना।